देश में लड़कियों और महिलाओं के गायब होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में हर साल हजारों की संख्या में लड़कियां और महिलाएं लापता हो रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी नाइन और मैं हूं आपके साथ खुशबू झा। ये महिलाएं कहां जा रही हैं, क्या कर रही हैं, इनके साथ क्या हो रहा है, ये किसी को नहीं पता। पिछले हफ्ते संसद में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इन्हीं से जुड़े कुछ आंकड़े पेश किए गए, जो ये बताते हैं कि साल 2019 से 2021 के बीच 3 साल में पूरे देश में करीब 13 लाख से ज्यादा लड़की और महिलाएं गायब हुई। बात अगर बिहार की करें तो यहां 3 साल में 38,000 लड़कियां और महिलाएं गायब हुई। सरकार ने ये भी बताया कि उसने महिलाओं की सुरक्षा बेहतर करने के लिए कई कदम उठाए। सरकार की ओर से संसद में दी गई जानकारी के अनुसार लापता होने वालों में करीब 10 लाख लड़कियों और महिलाओं की उम्र 18 साल से ज्यादा थी, जबकि 2.5 लाख की उम्र 18 साल से कम रही है। लड़कियों के लापता होने के मामले में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, जबकि पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है। सूची में राजधानी दिल्ली का भी नाम शामिल है। संसद में पेश किए गए आंकड़ों पर गौर करें तो मध्य प्रदेश में 2019 से 2021 के बीच कुल 1.5 लाख महिलाएं और 38,000 लड़कियां लापता हुई हैं। वहीं इस अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में कुल 1,56,000 महिलाएं और 36,000 लड़कियां लापता हुई हैं, जबकि महाराष्ट्र में लापता हुई लड़कियों और महिलाओं की संख्या 13,000 और 1,78,000 है। वहीं ओडिशा में 2019 और 2021 के बीच कुल 70,000 महिलाएं और 16,000 लड़कियों के लापता होने की जानकारी है, जबकि छत्तीसगढ़ में लगभग 50,000 महिलाएं और 10,000 लड़कियां गायब हुई। अब बात दिल्ली की करें तो ये भी पीछे नहीं है। देश के बाकी केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में दिल्ली में सबसे ज्यादा लड़कियां गायब हुई हैं। दिल्ली में 2019 और 2021 के बीच 3 साल में लगभग 60,000 महिलाएं और 23,000 लड़कियां गायब हुई हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में लगभग 8,500 महिलाएं और 1,100 लड़कियों के लापता होने की बात कही गई है। सरकार ने संसद में बताया कि देश भर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई पहल की गई है, जिसमें यौन अपराधों को रोकने के लिए पहले के कानूनों में संशोधन कर उन्हें और कठोर बनाया गया है। इसके साथ साथ 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ रेप की घटना में दोषी को मृत्युदंड समेत और कई कठोर दंडात्मक प्रावधान भी तय किए गए हैं।